न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित पीला डुंगरी में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा का भूमि पूजन किया गया। इस बार का पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। भूमि पूजन में शहर के गणमान्य मुख्य रूप से मौजूद थे। जानकारी देते हुए कमेटी के राजू गिरी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी टूला डुंगरी का भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सारे बस्ती वासी क्षेत्रवासी पूरे भाईचारे के साथ इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार दुर्गा पूजा में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र पश्चिम बंगाल के कोनटाई के द्वारा निर्मित पंडाल रहेगा। गांव देहात का रूप श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमा और लाइट भी पश्चिम बंगाल से मनाया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होगा। धन्यवाद पत्रकार बंधु हमारे। आज हमारे दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा हमारे भूमि पूजन आज हुआ। आज के दिन भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ। आज हमारी यहाँ भूमि पूजा, ये बहुत सुख की बात है और बहुत अच्छा दिन हम देख के आज रखे। और हमारे कलकत्ता से कोनटाई से पंडाल वाले आ रहे हैं और हमारे पंडाल के मूर्ति हम लोग गाँव देहात का एक नज़ारा हम दिखाने के लिए हम लोग पब्लिक को और हमारे जनता को एक नया लेटेस्ट में हम लोग एक पसंद किए हैं। और अभी तो हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और लाइट भी हम लोग का कोनटाई से वहाँ से आया है, चंदन नगर से। और हमारे मूर्ति भी कलकत्ता का है। और सब हम लोग मिलजुल के बस्ती वासियों मिलजुल के सब कमेटी धूमधाम से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धा प्यार से परिवार का साथ रह के मिलजुल के एक साथ करते हैं। बहुत खुशी। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? इस साल रहेगा कि हम लोग का नया लेटेस्ट में एक गांव देहात का लेटेस्ट रहेगा, मूर्ति रहेगा गांव देहात का, स्टैचू हम लोग बनाएंगे। और पत्ता का रहेगा।